वेलकम बैक टू टीटी गेमिंग 007। भाई लोग चलो कुछ चिमची मैच आज खेल लेता हूँ। भाई नया हीरो तो आने वाला है, लेकिन कब आएगा मेरे को मालूम नहीं। बहुत जल्द आने वाला है, और उसके साथ साथ आज ये यू का मार्कस, और कौन था मेरा टीम में, और एक था सर्च। हाँ सर्च था। तो ये तीनों कैरेक्टर लेके जा रहा हूँ, अनकट कुछ मैच खेलूंगा। बीच में कुछ दिन मैंने नहीं खेला क्योंकि मैं खुद डिफरेंट गेम खेल रहा था। मेरे को ये शैडो फाइट रियली बोल रहा हूँ बोरिंग लगता है मेरे को। भाई मेरे को अच्छा लगता है सिमुलेशन गेम जैसा फोर्ज़ा हॉरिज़न 5-4 जैसा गेम मैं खेलता हूँ, तो वो अच्छा लगता है। डिफरेंट गेम मैं खेलता हूँ, मोबाइल पे भी मैं डिफरेंट क्लैश ऑफ क्लैन भी खेलता हूँ। भाई हेडे मेरे को अच्छा लगता है, बहुत सारा गेम मैं बीच में खेल रहा हूँ। और ये गेम अच्छा नहीं लगता भाई, सब एक ही चीज़ हो रहा है। भाई सब एक ही चीज़ हो रहा है, कैंपर स्पैमर। ओके बच गया। देखो से प्लोअर इसलिए मैं नहीं खेलता हूं। चलो पकड़ लिया। शिट। चलो इसके साथ ये खत्म। तो भाई जो बोल रहा था, बहुत सारा डिफरेंट गेम खेल रहा हूँ मैं। ये शैडो फाइट कभी कभी खेल लेता हूँ, लेकिन भाई क्या है ना, जब खेलता हूँ क्या लगता है भाई, क्या बताऊँ यार, कुछ नया नहीं लग रहा है इस गेम में। है नया हीरो आ रहा है, तो नया हीरो आने से क्या होगा भाई, क्या होगा। गेम का अंदर बहुत सारा मोड होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न का एबिलिटी होना चाहिए। मेरे ख्याल से हर एक कैरेक्टर का एक पर्सनल पेट होना चाहिए, सबका एक कॉस्ट्यूम, डिफरेंट कॉस्ट्यूम होना चाहिए, कस्टमाइज कॉस्ट्यूम होना चाहिए। मैं सोचता हूँ इस गेम को अपग्रेड करने का बहुत ज़रूरत है। चलो ले लिया। और मेरे लिए इस गेम को मैटर नहीं करता है क्योंकि भाई क्या बताऊं यार, मतलब मैंने एक चीज नोटिस किया इस गेम में, जब ओपोनेंट खेलता है ना, तब ऐसे बहुत ओपोनेंट है इस गेम में ना, आप कैंप और स्पैम करके ना इजी जीत सकते हो भाई। ठीक है, ये कुछ अटैक से ना कुछ नहीं होगा, मतलब और भी ज़्यादा अटैक आना चाहिए, वेपन का भी डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी साउंड वगैरह आना चाहिए। मेरे को लगता है बहुत कुछ चेंज होना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं तो ऐसा ही होगा भाई। देखो बटन भी काम नहीं करता इसका। ठीक है, चलो इसके साथ इसका जैक बुलवार खत्म हो चुका है। आप लोग देख रहे हो टीटी गेमिंग 007 अनकट, आज फिर से लेके आ चुका हूँ। बहुत दिनों बाद, 5 दिन 6 दिन बाद खेल रहा हूँ।
बीच में एक दो दिन खेल रहा था मैं, लेकिन मैं दूसरा कुछ सोच रहा हूँ, डिफरेंट गेम खेलूंगा भाई। कैंपर के लिए क्या ही बोल सकता हूँ भाई, कैंपर के लिए क्या, कितना खुश हो रहा है कैंपर के लिए। देखो कैंपर कितना खुश हो रहा है, ये सोच रहा है हरा के भाई बहुत कुछ जीत लेगा, मेरे को हरा दे भाई, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं हारने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि भाई पहले एक टाइम था जब जब जीतता था मेरे को अच्छा लगता था, अब मैं जब हारता हूँ मेरे को अच्छा लगता है। क्या बताऊं ये देखो खुद इमोट कर रहा है, खुद हार रहा है, खुद कैम कर रहा है भाई, मतलब इसलिए ये गेम को अच्छा नहीं लगता मेरे को। फिर भी चलो, आप लोग देख रहे हो टीटी गेमिंग 007, आप लोग देखना पसंद करते हो, लेकिन फोर्ज़ा हॉरिज़न 5-4 डिफरेंट पीसी गेम मैं खेलता हूँ, मैं पर्सनली खेलता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। और भाई एक बार शार्क का एक गेम खेला था मालूम है, वो शार्क का गेम भी मैं खेलता हूँ। क्या करता हूँ ना, मैं डिफरेंट डिफरेंट गेम खेलता हूँ भाई, अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे इस गेम में ना भाई, मतलब वो जान नहीं है भाई, क्या बताऊँ यार। एक्चुअली गेम अच्छा लगता है जब बहुत सारा मोड है, बहुत सारा कस्टमाइजेशन है, और ऊपर से डिफरेंट डिफरेंट साउंड एबिलिटी, एनिमेटेड एबिलिटी, कुछ नहीं हो रहा है भाई इस गेम में। मेरा दिल से जो बात आ रहा है वही बोल रहा हूँ आप लोगों को। चलो ये स्कीन, ये जो एम्परर का स्कीन है ना, ये अच्छा लगता है। और भाई कभी कभी लगता है भाई ये गेम नहीं है भाई, ये बिजनेस है, मेरे को लगता है भाई। बुरा मत मानना भाई, मेरा दिल से जो आ रहा है वही मैं बोल रहा हूँ, इस गेम को गेम नहीं लगता है, मेरे को लगता है ये एक बिजनेस है। क्योंकि हर एक दिन ना, मतलब सुबह जब उठता हूँ देखता हूँ भाई ऐसे इसका प्राइस 1100, पहले बहुत कम प्राइस पे मिलता था, अभी भाई ऐसे हो चुका है ना। अभी ऐसा लगता है
चलो इसके साथ इसका बीस्ट खत्म हो चुका है। ऐसा लगता है भाई हर दिन जब सुबह उठता हूँ देखता हूँ किसी का प्राइस स्किन का प्राइस ऐसे दे रहा है वैसे दे रहा है। भाई ऐसे नहीं होता है, स्किन का प्राइस ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। अगर स्किन देना ही है तो भाई BGMI देखो, BGMI में हर एक गन का स्किन भाई इतना डिफरेंट पैटर्न एनिमेटेड स्किन आता है ना भाई। देखो कैंपस पे हमार लोग जीतने के लिए जैसे भी हो तैसे भी हो खेलता है, तो खेलने का कोई पैटर्न नहीं है, मतलब नहीं है, खेल लेता है भाई क्या है। जैसे तैसे करके ट्रॉफी लेना पड़ेगा ना, ये ट्रॉफी से तो भाई इसका क्या बताऊं यार। ठीक है चलो कोई बात नहीं। चलो इसके साथ इसका क्लैट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट आ रहा है इसके E2 टाइम मैनिपुलेशन, पीछे जाके टाइम मैनिपुलेशन का यूज करेगा। और क्या है भाई इन लोगों का तो और कुछ नहीं चाहिए ना जिंदगी में, ऐसे करके आगे बढ़ूंगा भाई। ये जापानीज प्लेयर लग रहा है भाई मेरे को। बस और क्या चाहिए भाई। चलो इसके साथ ये भी खत्म हो चुका है भाई। कैम कर स्पैम कर। ये देखो जाने से पहले ये जो इमोट दिखाया ना इसका मतलब क्या है बताओ, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता है भाई। तू हरा दिया मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे कुछ इमोट दिखा के चला गया। मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट नहीं है भाई इस गेम में। जब एक बंदा के साथ खेल रहा है रिस्पेक्ट नहीं है भाई। गेम में हर जीत होता है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है। मैं कैम करूंगा स्पैम करूंगा ऊपर से हार जाऊंगा तो ऐसे इमोट दिखा के जाऊंगा जो कि भाई ऐसे प्लेयर ही नहीं होता है। ये गेम ना भाई खुद का जो गुस्सा है एंगर है वो निकल रहा है भाई। मॉर्टल कॉम्बैट का लाइव स्ट्रीम मैं भी देखता हूँ, मॉर्टल कॉम्बैट भी देखता हूँ भाई, उसमें ना ऐसा नहीं होता इतना टॉक्सिसिटी। देखो आज मेरा मन का कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली इस गेम के बारे में मेरा दिल में मन में जो चल रहा है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे हो TT गेमिंग 07। आज कुछ रियलिटी दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ फिर से जापानीज। अच्छा युवा का ये वेपन नहीं मिला और अच्छा भी नहीं लगता है भाई। आ,
कॉन्टिन्यूअस पीछे जाएगा। चलो ले लिया। क्या बताऊं इसको, चलो मार्कस ले लिया मैंने। इसके पास जियांगजू भी है, इचू भी है, देखता हूँ क्या होता है। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर देना। आज यही लास्ट गेम है, 300 गेम खेलूंगा यही सोच के आया था मैं। बहुत प्रो है ये, बहुत प्रो। बहुत ज्यादा प्रो है। देखा, इसको कहता है प्रो, इसको कहता है प्रो। देखो देखो देखो, इसको कहता है, इसको कहता है प्रो। कैसे जंप कर रहा है, बाएं से राइट से लेफ्ट से भाई, जंप करके करके भाई। भाई साहब This is called pro, देख लो भाई, सीख लो। मेरे को तो गेम नहीं आता है ना भाई, मैं तो सीखता हूँ इन जैसे प्लेयर से ना। मैं 3 साल से खेल रहा हूँ भाई, मेरे को गेम नहीं आता है भाई, मैं ये सब देख के सीखता हूँ भाई। इतना खराब लगता है ना, इसलिए मैं ये गेम बहुत कम खेलता हूँ। धीरे धीरे मैं क्या करूँगा पता नहीं। देखो भाई ये प्रो है। हाँ भाई क्लिक तो नहीं होगा। जंप बहुत कर रहा है बंदा। चलो इसके साथ मेरा खत्म हो चुका है और एन में बाकी है सिर्फ सर्च। देखता हूँ, यही आज का लास्ट मैच है, हार जीत जो होगा आप लोगों का सामने ही होगा। आप लोग देख रहे थे टीटी गेमिंग 307, कुछ अच्छ मन का बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कमेंट में बता देना अगर कोई मैं जो डिफरेंट गेम खेलता हूँ वो देखना चाहते हो या फिर यही, वो भी बता सकते हो मेरे को। Ha!
देखो भाई और क्या चाहिए, पीछे जाऊंगा मैं। क्या बताऊं यार, क्या बताऊं, बताने का कुछ नहीं है भाई। सिर्फ जीतने के लिए पीछे जाऊंगा, पीछे स्पीडिंग अटैक करूंगा, स्पैम करूंगा भाई। ऐसा ही इन लोगों का चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, नीचे आ रहा है। हर एक मैच पे ना भाई मैं दिखा दिया आप लोगों को कैसा पैटर्न का, कौन सा पैटर्न का बंदा आता है। बस देखो क्या कैसे खेलूंगा, ऐसे प्लेयर के साथ कैसे खेलूंगा बताओ। बस और क्या चाहिए भाई, पीछे जाऊंगा, मैनिपुलेशन करूंगा, सिर्फ पीछे ही जा रहा हूं मैं। तो ये था आज का कुछ स्टोरी, इसलिए मैं बहुत कम खेलता हूं। नेक्स्ट कब खेलूंगा मेरे को पता नहीं। ये शैडो फाइट एरेना और न्यू हीरो अगर आएगा तो ज़रूर आऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा। आप लोग देख रहे हो टीटी का, मुझे खुश रहो, मुझको बुलाते रहो और टीटी का साथ रहो।